चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की बैठक की। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक का इंडी गठबंधन के जो नेता है उन्हें बहिष्कार किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर के इंडी गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, अब उसकी कलई खुल गई है और इंडी गठबंधन में एक और फैसले को लेकर फूट दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। ...2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजय रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लगे हैं। ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने का लाख दावा करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग है और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है। आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में एनडी अलायंस के बहिष्कार के बीच बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी और सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर से। जी हां, एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए जहां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई है, लेकिन उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যত জানি হেমন্ত যাচ্ছে ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক ফর এভরিবডি। মমতা একেলি নহি হে, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपने अलग राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता के राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी दो दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक में एक रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने वाले और हरियाणा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कांग्रेस के पिछलग्गू बनने की उनकी राजनीति को सहूलियत का नाम दिया जाए या मौका परस्ती का। वहीं जनता के साथ किए जा रहे छल और इंडी गठबंधन के दोहरे चरित्र पर बीजेपी के नेताओं में कोई हैरानी नहीं है। वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं, उनकी बहिष्कार की राजनीति में जनता पिस रही है। उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। कांग्रेस, इंडिया अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार करने का उनको आदत सी पड़ गई है। मुझे लगता है कई बार के जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। बहरहाल हर मुद्दे पर अलग अलग राग अलापने वाले इंडी गठबंधन के नेता पोल खुलने से भौचक्के हैं। सभी ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बहिष्कार की राजनीति के सहारे इस घसीटा मार पॉलिटिक्स में ममता और हेमंत सोरेन आज दिल्ली में और क्या क्या गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देखिए, यूपी बीजेपी में कई दिनों से खींचतान की खबरें सामने आ रही है और इसी बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है।
बिल्कुल, और जिस तरीके की पार्टी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में केशव प्रसाद मौर्य शामिल थे, उसमें वो मात खा चुके हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक बार फिर से खोल दिया है मोर्चा। अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई, अखिलेश केशव में छिड़ा जुबानी जंग, यूपी में क्यों मचा हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाए तो एक दूसरे से नजरें ना फेरनी पड़े। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर छिटाकशी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति की हर चाल भापने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भापने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह के अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर दुगुने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। यूपी की राजनीति की हर चाल समझने वाला उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा भी ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने वाले इस हमले के पीछे उनका जो भी मकसद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक अटैक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव और इनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर फिलहाल यूपी में सियासत सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्सेज केशव प्रसाद होती जा रही है और बताया जा रहा है कि इस वार पलटवार के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वो बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस पर एक बार फिर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दोहराया है, जिसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। बहरहाल यूपी की राजनीति में चल रहे दो नेताओं के बीच इस जुबानी जंग पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर है। पिछड़ों की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक दूसरे को कमजोर साबित करने में लगे हैं, जबकि इस सब के बीच सीएम योगी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त है। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में आज बुलाई बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला होगा जो विपक्ष की इस चुटकुला पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।